अगर मैं ये मेंशन करूंगा, नहीं यार, कुछ और देखता हूँ। इलेवन थर्टी तो यू डोंट वॉन्ट टू स्लीप? ऐसी लग्जरी हर कोई बंदा अफोर्ड नहीं करता। यू स्लीप। ओ मैन, ओनली द प्रोडक्शन कैन बी इंक्रीज वॉट स्ट्रेस्ड आई मीन कैसे होगा यार। मतलब मैं रोज सुबह 7 बजे उठ रहा हूँ और 12 बजे सो रहा हूँ। लुक एट मी, वेट देख किधर जा रहा है। मतलब डाइटिंग भी नहीं कर पा रहा हूँ। आई एम 30 और टाइम का पता ही नहीं लग रहा है कैसे निकल रहा है। ऐसे फास्टर देन दिस, मैं इट्स ऑल टाइम वर्क। मतलब अगर मैं काम नहीं कर रहा हूँ तो मुझे ऐसे लग रहा है कि पता नहीं क्या होगा। और मैं हर कल सिर्फ कल के बारे में सोच के उठ रहा हूँ। एंड आर यू अचीविंग एनीथिंग आउट ऑफ इट? नो, कंपनी को रिजल्ट चाहिए। साला 6 बजे की जगह 8 बजे तक बैठे रहो तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, बट सुबह 9 बजे की जगह 7:15 आ जाओ तो प्रॉब्लम ही प्रॉब्लम है। और काम इतना है, थैंक इतने गॉड कि इतना ज्यादा काम है. आई मीन इमेजिन सो मेनी पीपल आउटसाइड बट काम ही नहीं है. दैट्स फाइन, बट डर हमेशा है। अगर नौकरी चलेगी तो, पैसे नहीं हुए तो, मतलब रेंट्स, खर्चे, लाइफस्टाइल, ईएमआईज। लिसन लिसन एक सेकेंड. वी आर द वन हु चोज ईएमआईज राइट. हमें पता है कि फोन पे नोकिया एप्पल दोनों में से सेम ही आवाज आती है राइट. वी नो कि हम इससे कम खर्चे में जी सकते हैं. कार की जगह कैब करें तो भी आराम से चल फिर जाएगा. बंदा कमाता ही क्यों है कंजूसी से रहने के लिए। नो, देयर इज अ प्राइस फॉर एवरीथिंग एंड यू आर पेइंग दैट. आई मीन इतनी फैसिलिटीज के बाद भी क्रिबी करना है तो मत कमाओ. सो यू मीन मैं काम की टेंशन ही ना लूं, ऐसे ही रहूं। इफ दैट सॉल्व्स द पर्पस देन व्हाई नॉट. हम लोग जॉब ढूंढते हैं राइट. कहीं पे अप्लाई करते हैं एंड भगवान से प्रे करते हैं कि हमारे को ये जॉब मिल जाए. एंड जब वो जॉब मिल जाती है तो वही जॉब हमें प्रेशराइज करने लगती है. इट्स नॉट अबाउट द जॉब। मेरा सीनियर इतनी धौंस मारता है ना मेरे पे, एंड माय एचआर टीम, समटाइम इट सक्स। एक मिनट, कितने लोगों को आपने सुना है बॉस की तारीफ करते हुए? एंड डू यू थिंक कि तुम कहीं नई जॉब पे जाओगे तो वहां पे प्रॉब्लम्स नहीं आएंगी? मे बी, बट अब इतनी ज्यादा धौंस नहीं सही जाती यार। अच्छा एक बात बताओ, जब भी हम लोग कहीं लंच ब्रेकफास्ट या डिनर के लिए बाहर जाते हैं, हैव यू सीन दैट पार्किंग गाय जो गाड़ी पार्क करवाता है? या तुम ना अपनी गाड़ी कहीं भी पार्क कर लो, कैसे भी पार्क कर लो. अगर तुमने आगे पार्क करी होगी तो वो कहेगा सर थोड़ी पीछे कर लो, और अगर पीछे पार्क करी होगी तो वो कहेगा कि सर गाड़ी के टायर ना थोड़े से अंदर कर लो, और गाड़ी के टायर अंदर कर भी लो. पॉइंट क्या है? पॉइंट ये है माय लॉर्ड कि जिसकी जहां चलती है वो वहां चलाता है. बट मैं तो ऐसा नहीं करता। हाउ कैन यू से दैट? आस्क माय जूनियर्स। कोई तुम्हारे मुंह पे थोड़ी ना बोलेगा आनंद. बहुत ही सिंपल है, अगर प्रेशर नहीं लिया जा रहा है तो जितना कमा रहे हो ना उसे आधे में शिफ्ट हो जाओ एंड बी हैप्पी. मैं अपने पेरेंट्स को छोड़ के दूसरी सिटी में आधी सैलरी के लिए आऊंगा। मैं अपने पेरेंट्स को छोड़ के तुम्हारे भरोसे एक दूसरी सिटी में आधी सैलरी के लिए आई हूँ? अबे नहीं यार, दैट्स डिफरेंट। Why? Because हमारी प्रोग्रामिंग ऐसी होती है कि आपको तो शिफ्ट होना ही है, एंड यू गाइस हैव मोनोपोली कि तुम कुछ बड़ा कर रहे हो अपनी फैमिली से दूर रह के. अच्छा टेल मी वन थिंग, 3 जनवरी को तुम्हारा मूड बहुत ही ऑफ था, यू वर लाइक पिस्ड ऑफ. क्या हुआ था उस दिन? जब वो दिन नहीं याद है तो आज का दिन भी 3 महीने बाद याद नहीं रहेगा. डोंट टेक सो मच स्ट्रेस इन लाइफ कि लाइफ में लाइफ को ही जीना छोड़ दो. आई मीन बी थैंकफुल फॉर व्हाट वी हैव, जो हमें मिला है 3 टाइम का खाना. इमेजिन यू आर सो लकी कि तुम डाइटिंग करना चाहते हो. आई मीन यू ब्लडी अफोर्ड डाइटिंग. लोगों के पास खाना नहीं है,
ऑटोमेटिक डाइट पे हैं वो, एंड यू आर सो लकी कि तुम्हारे पास सब कुछ है। सुबह उठ के कुछ ना होने से बेटर है बहुत ज्यादा काम होना। आई नो, बट एक टेंशन रहती है कि अगर ये जॉब चलेगी तो, एंड दोबारा नहीं मिली। लाइफ नेवर एंड्स माय फ्रेंड, बाहर जाकर देखो, एम्प्लॉयर कहता है कि लोग नहीं है काम करने के लिए, जॉब वाले कहते हैं कि कोई जॉब नहीं है, कोई नौकरी नहीं है। आई मीन आई एम श्योर देयर इज अ बिग गैप। इस दुनिया में सबके लिए कुछ ना कुछ है, एंड अगर नहीं भी हुआ, एंड इफ यू आर अ गुड ह्यूमन बीइंग देन दैट्स इट। पर अ गुड ह्यूमन बीइंग बिना पैसे की जिंदगी कैसे जिएगा? जिंदगी अपने दम पे चलती है आनंद, पैसा आ जाता है। आई नो, बट जो अपनी इंस्टॉलमेंट्स हर महीने देनी है, वहाँ नेल्सन मंडेला तो नहीं बन सकता ना। पैसा देने के लिए पैसा नहीं, नियत चाहिए। मनी फॉर श्योर फॉलोज, बट कई बार मुझे लगता है कि पर्सनल लाइफ भी कोई चीज है। आई अग्री, बट जब सपने बड़े होते हैं ना तो उनकी कीमत भी बड़ी होती है। यू कैन नॉट पे व्हाट एन ऑटो गाय वुड टेक टू ट्रैवल इन अ बिजनेस क्लास, देयर इज अ प्राइस। सो यू मीन ऐसे चलने दो सब? नो, जस्ट मैनेज योर टाइम। अच्छा टेल मी वन थिंग, तुम्हें जॉब के पहले 2 महीने प्रॉब्लम आई? नहीं, बिकॉज तब सही था। नो, तब तुम्हें अपने आप को कंपनी को प्रूव करना था, तुम्हें कुछ भी बुरा नहीं लगता था, एंड वंस यू फेल लिटिल सिक्योर यू स्टार्टेड फाइंडिंग फॉल्ट्स। और जब तुम ऐसा कर रहे थे ना, समवन वुड हैव लॉस्ट देयर लाइफ एट दैट मोमेंट। तुम जिंदा हो, और ऐसा भी लाइफ में क्या लेकर आए थे कि सब कुछ चाहिए। How you are so sorted? No, I'm not. But I just know one thing. मैं सिर्फ एक ही बार पैदा हुई थी। That's obvious. मरना भी एक ही बार चाहती हूँ। हर रोज नहीं।